Hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. And कोई भी excited हो ना, मैं ये video shoot करने के लिए बहुत ही ज़्यादा excited थी, because हम हैं March में, March 2022 में, और मैं अब जाके hall video shoot कर रही हूँ London का, क्योंकि इस video के वजह से मैंने कोई भी bag पहना नहीं है, कुछ story और ही नहीं डाली, because you know मुझे ऐसा वो surprise वाला factor करना था, but क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता. और एक मेरी बुरी आदत है guys, मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, लाइक बहुत अच्छी, वो मैं यूज नहीं करती हूँ. मतलब मैं उसको संभाल के रखती हूँ और सोचती हूँ कि परफेक्ट डे पे पहनूंगी, और मेरा परफेक्ट डे कभी आता ही नहीं है. वो चीज पुरानी हो जाती है, सब पहन लेते हैं, मैं ऐसे देखती रहती हूँ, फिर तो बिल्कुल ही गुस्सा आता है फिर. बट आई प्रोमिस कि मैं अभी से सब बैग्स निकालूंगी, सब कुछ करूंगी. मैं इसके आपको हॉल के दौरान भी काफी चीजें बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी यूजलेस हूँ मैं. तो चलते हैं पहले बैग की तरफ. तो टॉरी बर्च का ये टोट बैग है. वाव, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा था वाव मैं एयरपोर्ट पे ऐसे पहन के जाऊंगी, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा है. बट फिर भी यू नो, कभी कभी कहीं जाना है और डे ट्रिप होता है, कुछ होता है, तो सामान ले जाओ यू नो, ऐसा फैंसी टॉरी बर्च का लोगो. और मुझे अच्छे रेट में मिला था इसीलिए लिया था, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें. मैं बहुत जल्दी जल्दी करने वाली, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग को बोर नहीं करना है मुझे. नेक्स्ट आई हैव इज बर्बेरी. ये लोग ने मुझे बॉक्स नहीं दिया, ये लोग ने मुझे एक पेपर वाली कड़क थैली में डाल के दिया था, बट इट्स ऑलराइट. वाओ, दिस इज द लेदर एंड कैनवस पॉकेट बैग कहते हैं इसे. इसमें से एक पॉकेट है ऐसा, इस पर स्लिंग है. वेरी 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 क्लासी एंड बहुत ओल्ड स्कूल फॉर्मल वाला वाइब आता है, तो उसके लिए मैंने ये लिया था. मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे काफ़ी टाइम से ही लेना था. बाय द वे, मैंने देखा था ऐसे ऑनलाइन, और मुझे था कि अगर बर्बेरी का लूँगी तो ये वाला बैग लूँगी. क्यूट है ना, ऐसा हाथ में भी पकड़ के ऐसे चल सकती. बाय द वे, ये मैंने पहना है, सो गुड जॉब नगमा, तूने इसे भर के नहीं रखा अपने कपड़ में. बैग भी खुश होएगा, दुआ देगा मुझे, बोलेगा थैंक यू मुझे यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट आई हैव, तो कोच से मैंने एक बैग नहीं लिया था, मैंने कोच से तीन बैग लिए थे. एक बैग मैंने मॉम के लिए लिया था, जो कोच का क्लासिक लोगो है, ब्राउन वाला जो है, उसका प्रिंट का मॉम को बैग लिया है. सेकंड बैग मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया है, मेरी दोस्त है वो, आप लोग उसको जानते ही हो, कमेंट में बताओ मैं किसकी बात कर रही हूँ. और थर्ड बैग है लंदन से, ये मैंने खुद के लिए लिया है. एक्चुअली और एक बैग लिया था, वो लड़की के लड़के के लिए. अभी याद आया मुझे, अगर वो नहीं पहना ना मारूंगी मैं. एनीवे, तो ये कोच का जो बैग है, आई शो यू. So, this is their ski edition. ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्यूट टोट बैग है. आपको सही बताओ, कैमरा में जस्टिस नहीं करेगा, अवेश को बहुत पसंद आया था ये, बहुत ही क्लासी लगता है. मतलब इसको मैं ऐसा साइड में अगर पहनूंगी ना, लाइक दिस, एंड बहुत ही क्लासी है, और इसमें सामान बहुत जाता है. सो ये ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, मैंने इसको मेनली ट्रैवल के लिए लिया है. उसमें बहुत प्यारे प्यारे स्टिकर्स जैसे हैं, तो बहुत फंकी भी है. ट्रस्ट मी, कैमरा में जस्टिस नहीं कर रहा है, ये बहुत ही ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बैग्स है. आप सोचोगे कैसा बैग है, क्या है, बट ये बहुत बहुत क्यूट है. एंड अगेन इसमें भी थोड़ा क्लासी वाइब आता है. मॉम को मैंने ये वाला प्रिंट कर दिया है, जो पीछे प्रिंट है ना, ये प्रिंट कर दिया है बैग. सो ये कोच के बैग्स, मैं आपको सच बताऊं कि लग्जरी बैग्स और अफोर्डेबल बैग्स के बीच में एक गैप होता है ना, उसमें कोच थोड़ा आता है. अगर आपको समझो लग्जरी बैग्स लेना है, तो आई गेस यू कैन स्टार्ट ऑफ विद कोच एंड केट स्पेड एंड टॉरी बर्च. ये सब जो ब्रांड्स हैं, ये जो एलवी, गुची, डियोर, इनके पहले वाले लेवल पे अगर आपको कभी लेना है, तो स्टार्ट विद दीज ब्रांड्स. सो आई एम हैप्पी. और एल्स अगर आपको डायरेक्ट वही लेना है ना, तो प्लीज़ पैसे जमा करके वही लो, रोना नहीं. फिर नेक्स्ट बैग की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं फिर से डस्ट बैग में डाल दूंगी. कितने बैग्स की पता है, मैं डस्ट बैग घुमा देती हूँ कभी कभी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो ये एक्सेसरी है, तो मैं आपको बता देती हूँ. मैंने वीडियो में तो ये दिखाया है, बट स्टिल मैं दिखा देती हूँ. मैंने व्हाइट कलर का गुची का बेल्ट लिया था, बेसिक, मुझे बेसिक व्हाइट में बेल्ट चाहिए था, एंड मेरे पास कोई भी बेसिक व्हाइट में नहीं था. मैं कंफ्यूज थी दो तीन ब्रांड्स में, बट मैंने सोचा गुची ले लूँ, बाद में फिर सोचा कोई और लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, मुझे गुची पसंद है एज अ ब्रांड. नेक्स्ट आई हैव दिस गुची बैग.
ये बैग आपने बहुत बार देखा रहेगा, इसकी मैंने डस्ट बैग कहीं घुमा दिया है क्योंकि मैं अभी जस्ट दुबई से आई हूँ और मैंने अनपैकिंग किया तो उसमें कहीं तो घूम गया मेरा डस्ट बैग। बट ये जो क्लासिक मिनी जो गुची है वाइट कलर का, देखो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बेसिक है, ये सब पे जाता है एंड आई लाइक द मटेरियल बिकॉज इसको आप वाइप भी कर सकते हो। पहली बात गंदा करना ही नहीं चाहिए, बट अगर गंदा हो गया तो इसको वाइप कर सकते हो। सो लव इट। नेक्स्ट वाला है ना खतरनाक है गाइस। अभी हम खतरनाक बैग्स पे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं एंड दिल में ऐसी धक-धक हुई थी ना जब भी मैंने ये सारे बैग्स के लिए स्वाइप किया था। तो प्रादा, तो ये वाला जो बैग था ये बहुत ही सडन था। इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। मुझे चाहिए था जो प्राडा के जो बैगेट्स बैग होते हैं जो छोटे वाले, वो लेने थे, वो लेने गई थी मैं। बट जो मटेरियल मुझे चाहिए था लेदर टाइप मटेरियल, वो नहीं था उनके पास। वो कपड़े जैसा मटेरियल होता है ना वो वाला था एंड जो सेल्स पर्सन था उसी ने मुझे मना किया क्योंकि वो उस पर अगर कुछ लग गया तो वो स्टेन हो जाएगा एंड फिर हमें फिर से प्राडा में देना पड़ेगा उसको साफ करवाने एंड प्राडा इंडिया में है नहीं। मुझे वो दिक्कत चाहिए नहीं थी। मैंने ये बेसिकली कलर और टेक्सचर के वजह से ही लिया है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ये बहुत 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 ही ज़्यादा मुझे पसंद आया कलर। यू कैन सी बहुत ही वाइब्रेंट है। ये जो छोटू पॉकेट वाला जो फीचर है इसका फीचर, ये पॉकेट आप निकाल सकते हो एंड ये प्राडा के हर बैग के साथ होता है एंड काफ़ी ब्रांड्स के बैग के साथ होता है। आप इसे जब भी चाहिए आप इसे इधर ऐसा लगा सकते हो इफ़ यू आर नॉट कैरिंग योर बैग एंड यू कैन इवन, मुझे उन्होंने सेल्स पर्सन ने बताया कि ये जो प्राडा का बेल्ट है ये आप निकाल सकते हो और इसको बेल्ट की तरह पहन सकते हो और ये यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे। तो आप समझ रहे हो, कैन यू अंडरस्टैंड। जैसे ड्रेस व्रेस पे भी पहन सकते हो आप as a belt and it's a very good idea. मैं ट्राई करूँगी कभी। देखो ऐसा कुछ भी बेल्ट होता है ऐसा एंड यहाँ पे ऐसा लगा दिया तो क्या है, ब्रांडेड भी दिखेगा बेल्ट, ऐसा लगेगा वाह प्राडा ने नया ब्रांड निकाला है बेल्ट का, बेल्ट निकाला है। सो कलर के वजह से लिया है एंड आई लव इट। दिस वॉज ऑन द एक्सपेंसिव साइड। इसके स्वाइप करते वक्त मेरे दिल पे छुरियाँ चली थी, छुरियाँ। देखो अब इसको ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में इसे बंद करके रखूँगी अच्छे से। नेक्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट्स, अभी तो सभी फेवरेट है, इतना महंगा ले रहे हैं तो कुछ तो मतलब ही होगा ना, इसलिए लिया है। दिख गया आपको। सो दिस इज माई पर्सनल, मतलब माई फर्स्ट एलवी, एज इन खुद के लिए फर्स्ट एलवी है। इससे पहले मैंने एलवी लिया था अवेज को गिफ्ट करने के लिए और जो एलवी का बैग पहले मुझे मिला था वो अवेज ने मुझे गिफ्ट किया था। सो ये मेरा फर्स्ट एलवी है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई प्रोमिस टू वर्क हार्डर सो दैट मैं खुद के और मेरे आसपास जो भी उन सब की ड्रीम्स पूरी कर सकूँ। तो ये बहुत ही क्यूट बैग है, इसे कहते हैं आई गेस पैपिलॉन करके ऐसा कुछ तो नाम है इस बैग का। ओह माय गॉड, ये बहुत ही क्यूट है। मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, प्राडा यूज़ किया था मैंने, ये नहीं यूज़ किया है। जस्ट लुक एट दिस बैग, ओह माय गॉड, खिचड़ी हो गई। वापस से दिखाती हूँ गाइस। सो दिस डिजर्व्स अ गुड एंट्री। Oh my god, this is very cute, very 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 cute sling bag. I loved it. मुझे कलर बहुत ही अच्छा, मेरे पूरे ग्लॉस पे लग रहा है, मुझे स्लिंग ग्लॉस नहीं पसंद। देखो मैंने क्या किया, can you see this mark? ऐसे पूछो एलवी के डस्ट बैग से, पूछो नहीं कपड़े से पूछती हूँ। सो ये बहुत ही क्यूट सा बैग है। पहले मैंने ब्लैक कलर में लिया था तो अवेज बोला नहीं ये कलर ले, ये कुछ अलग कलर है। तो अवेज मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है ऐसा शॉपिंग करते वक्त, तो अगर वो कुछ बोल देता है ना मैं ऐसी हो जाती हूँ ओह नो फिर ये लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया और ये बहुत क्यूट है। आप मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ और पोस्ट में इसको देखोगे, जबकि अभी दिख चुका है क्योंकि मैं इससे पहले वाला एलवी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। बट इतना महंगा जब मिलता है गाइस तो उसको उतना यूज़ करना ही चाहिए, थोड़ी ना ओकेजनली पहनना चाहिए। ये मैं सब खुद को समझा रही हूँ बट मैं ही यूज़ नहीं करूँगी, देख लेना। एज आई सेड, मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको मैं संभाल के रखती हूँ। जैसे कि जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है जो मेरी सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट है एंड आप सबने देख चुके हैं, इसको इधर रख लो, इधर रखते ऐसा लगेगा वाह प्रमोशन। नेक्स्ट
bag is my most favorite hands down, the Dior saddle bag. मेरे पास इससे पहले एक saddle bag था, है मतलब अभी भी है मेरे पास, but this color, oh my god. And saddle bags are very expensive, तो मैंने सोचा था कि मैंने एक बार ले लिया, अब नहीं लूंगी. मतलब अब लूंगी तो अभी कब लूंगी, जब मैं कुछ बहुत बड़ा काम करूंगी लाइफ में. बट अवेज गिफ्टेड मी, ही वॉज लाइक तू बड़ा काम कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा. तो उसने मुझे गिफ्ट किया है, रिबन भी मैंने संभाल के रखा है इसकी. आई लव इट. काफ़ी दिनों बाद देख रही हूँ. ओह माय गॉड, नो वर्ड्स. This is beautiful and इसका strap अलग से लेना होता है, and straps are also very expensive even in Louis Vuitton. But Louis Vuitton में कोई कोई bags strap के साथ आते हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाला bag आपको दिखाया वो strap के साथ था. But जो chain bags होते हैं वो strap के साथ नहीं आते, तो आपको strap अलग से लेना होता है LV के. कोई कोई bags strap के साथ आते हैं LV के. इस बैग की मैं आपको एक दिक्कत बताती हूँ, इसका जो स्ट्रैप लगाना है वो आपको डी में लगाना होता है, जो सी डी का डी होता है ना. मैं आपको बताती हूँ वो क्या बोल रही हूँ, बड़ी दिक्कत है, फिर भी मैंने ये बैग के लिए शिद्दत की थी. तो अब जब ये बैग ऐसा, वाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा. तो ये जो ये है ना, ये वाला, ये अटकता है. ये मेरा पहले वाले, मतलब सिर्फ इसी बैग के लिए, हर साडल बैग में ये है इशू. मैं रिबन ट्यूब पहन के, but just look at this, oh my god, I can't wait to, you know, wear this. problem क्या होती है पता है, मैं abroad कहीं पे ले जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं pack ऐसा दबा दबा के करती हूँ काफ़ी चीज़ें, कि bag का थोड़ा shape change हो जाता है. मेरा Gucci के bag के साथ ये same हुआ है, इसीलिए मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं ये bag India में ही पहनूँगी, पता नहीं बाहर कब पहनूँगी, क्योंकि मेरा पिछले वाला saddle bag भी ऐसा चपटा हो जाता है, and I don't like it चपटा. I like when saddle bags are, you know, एकदम भरा भरा. सैडल बैग की एक और एक वीकनेस है, इसमें स्टोरेज ज़्यादा नहीं है. ये सब सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब अच्छे बैग जिसमें आप अपने कार्ड और लिपस्टिक, पैसे, ये सब भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रख सकते हो. मैंने ये पिछले बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ये वाला अब तक यूज़ नहीं किया. सो डियोर ये सब तो हो गया, ये सब मैंने ख़रीदा था. मेरा पैर ना गाइस सो गया. ये सब ख़रीदा था अलॉन्ग विथ शूज़ एंड ऑल. शूज़ नहीं दिखाया मैंने आपको, बट कोई नहीं, शूज़ का भी आपको बाद में बता दूंगी. फिलहाल बैग्स और ज्वेलरी की बात चल रही है. मैं पिछले टाइम का भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, मेरे पास इधर पड़ा हुआ है सब कुछ. तो ये वाला जो एलवी है, ये मुझे अवेज ने गिफ्ट किया था, एंड मैंने इसको इतना यूज़ किया. पहले तो यूज़ ही नहीं किया, फिर अवेज ने मुझे चिल्लाया कि तू यूज़ क्यों नहीं करती है. तो मैंने इसको इतना यूज़ कर ली कि अब अवेज बोलता है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है उसको. और ये रहा मेरा वाला सैडल बैग, जो आपने काफ़ी पिक्चर्स एंड ऑल में देखा होगा. ये जो मोनोग्राम प्रिंट है डियोर की, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. सैडल बैग्स आर सो क्यूट. सो ये तो हो गया मेरा पुराना. मैं आपको बस पुराना गो थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बताया नहीं है. मैं ट्राई करूँ, जो भी मैं आपको बता सकती हूँ मैं बता दूंगी. मैं ये वाला गुची का बेल्ट है, ये मुनोनी रुद ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पर, पर्ल वाला, बिकॉज ये मुझे चाहिए था एंड दे न्यू अबाउट इट. सो या, बॉक्स के अंदर ये मैंने इस दुबई ट्रिप में लिया था. इसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू शॉपिंग, मतलब प्लान नहीं करते हो कुछ नहीं, तो अनप्लान शॉपिंग होती है. मैंने कोच का और एक मिनी टोट बैग खरीदा है, बहुत ही क्यूट है ये. मतलब ये पता है, आप कहीं जा रहे हो मीटिंग्स में या कहीं पर, तो ये सब बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. इसमें बहुत सारा सामान आता है, एंड यस, अदरवाइज आई ऑलवेज कैरी मिनी बैग्स जो होते हैं, बैगेट बैग्स जैसे, बट इसमें सामान ज़्यादा नहीं आता है. तो जब भी मैं कहीं पूरा दिन बाहर रहूँगी, कोई अच्छी जगह जाना है, देन आई यूज ऑल माई कोच बैग्स. मुझे टकार आ रही है. नेक्स्ट वी हैव इज दिस पिलो टैबी, ये जो कोच का है, ये बहुत ही क्यूट है, बहुत 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 ही क्यूट बैग है. एंड ये बहुत ट्रेंड हो रहा था गाइस, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था. मुझे वाइट में चाहिए था, बट मैंने वाइट में वो वाला लिया, तो मुझे वो वाली औरत जो सेल्स पर्सन थी वो बोली कि टेक ब्लैक, इट्स लुकिंग गुड ऑन यू, ऐसा करके मुझे बोल के मुझे उसने थोड़ा चढ़ा दिया, और मैंने फिर ये लेकर आ गई. इसका स्लिंग मैंने कहीं और रखा है, तो इसीलिए
मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ. वेरी 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 प्रिटी बैग, आई लव इट. ये इंडिया में भी मिलता है, कोच इंडिया में है. काफ़ी सारी ऑनलाइन ऐप्स पे भी आपको कोच मिल सकता है. ये तो आपको देखना बनता है. इसकी बॉक्स की हालत देखो क्या हो गई. इसका बॉक्स ऐसा खुल गया है, आप देख सकते हैं खुल चुका है, क्योंकि मैंने इसे दुबई से कैसे लाया था मुझे पता है. सो ये प्राडा के शूज़ हैं जो मैंने आज तक नहीं पहने, क्योंकि जब लास्ट ईयर मैं दुबई से आई थी, इंडिया में लॉकडाउन हो गया था, देन बारिश का सीज़न चालू हो गया, देन फिर यहाँ बाहर ट्रैवलिंग शिफ्टिंग की वजह से मैं कभी नहीं पहन पाई. इस टाइम भी मैंने लंदन भी लेकर गई थी, मैं ये सब लंदन भी लेकर गई थी इतना वजन उठा के. लंदन में भी नहीं पहनी क्योंकि लंदन में पूरा टाइम बारिश हो रही थी और मुझे मेरे शूज़ ख़राब नहीं करने थे. आई शो यू गाइस. I wanted to buy these since a very 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 long time. क्या फ़ायदा ख़रीद के, पहना तो नहीं है कभी भी. और इसकी एक बहुत फ़नी बात है, ये जो शूज़ थे ये लेडीज़ सेक्शन में थे एंड अवेज को बहुत पसंद आई. मैंने ख़रीद लिया, फिर अवेज आया बोला अरे मुझे भी चाहिए, सेम टू सेम चाहिए. वो गया और उन्होंने बोला कि हाँ मतलब लड़के भी पहन सकते हैं, बट जो उसकी लास्ट साइज़ होती है वो फॉर्चुनेटली अवेज के साइज़ की थी, क्योंकि उसके ऊपर जो होती है बनती नहीं है. मतलब लेडीज़ में वो एक होता है ना, एक पर्टिकुलर साइज़ होती है कि इतनी साइज़ तक ही बनती है, तो वो साइज़ अवेज को मिल गई और हम दोनों ने ले लिया. अवेज ने मुझसे पहले पहन लिया है, मैंने अब तक नहीं पहना. अवेज जिस दिन ख़रीदता है ना उसके नेक्स्ट डे खोल के पहन लेता है, नेक्स्ट डे भी नहीं, कभी कभी वो स्टोर से ही पहन के निकल जाता है. इतना गट्स मेरे में नहीं है. आई वॉन्ट दैट गट्स. ये देखो ये शूज़ है, ये बहुत 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 वाव है. इसमें भी ये जो पाउच है, मैं आपको इसका भी वही सीन है, आप इसको निकाल सकते हो एंड इसको आप की चेन में अटका सकते हो. लाइक यू कैन यूज़ दिस एज एन एक्सेसरी, यू कैन यूज़ इट एट, मतलब इधर भी लगा सकते हो ये जो पट्टे को निकाल के, मुझे उन्होंने ही बताया था. तो ये जो ऐसा स्ट्रैप निकलता है, उन्होंने कहा कि मैं इसे कुछ भी पहन सकते हो, ऐसा उन्होंने मुझे बोला. मैं तो ऐसा नहीं पहनने वाली हूँ कभी. कितना ऑकवर्ड होगा पहनने निकालने में, पैसे मांगेगा कोई तो ऐसे करती रहूँगी मैं, रुको. एनीवे इस शूज़ का मैं उद्घाटन बहुत जल्दी करूँगी. बहुत ही अच्छे शूज़ हैं और वाइट है तो बेसिकली सब पे जाएंगे. ये मैंने 2021 में मार्च में लिया था. जिस दिन इसका हैप्पी बर्थडे करूँगी सबको पार्टी दूंगी मैं. अब बढ़ते हैं थोड़े से अलग टाइप के बैग्स है, ये मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिए. सो लंदन से मैंने ये एक इट्स बाय W करके कुछ तो है, वहाँ से मैंने ये बैग्स लिए थे. ये बहुत क्रेजी बैग्स लगे थे मुझे, स्मॉल बिजनेस से लिया था एक. शी कट्स द फुटबॉल, फुटबॉल मतलब जो अमेरिकन फुटबॉल होता है, आई शो यू. उसको कट करके शी मेक्स प्रिटी प्रिटी बैग्स. लुक एट दिस, वाओ, ये मुझे बहुत यूनिक लगे. एंड ये रियल फुटबॉल है, इसको फुटबॉल बोलते हैं. आप लोग बोलोगे कि फुटबॉल गोल होता है, बट इसको भी फुटबॉल बोलते हैं. रग्बी भी यूज़ करते हैं वर्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो कैन यू सी द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग. इट हैज़ अ फोर हैंडल एंड इट्स वाव, इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई वॉन्टेड टू बाई इट. तो मैं लंदन से लिया था तो मैं सोचा सब बैग्स दिखाई रही हूँ तो दिखा देती हूँ. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लू कलर्ड फुटबॉल. वाव, ये बहुत स्मार्ट है एंड काफ़ी सारी चीज़ों पे जाएगा. ये भी थोड़ा ऐसा बंद हो गया है, बट इसमें सामान डालूंगी तो ये फुटबॉल के शेप का हो जाएगा. एंड ये जेन्युइन फुटबॉल है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो है, प्रॉपर मटेरियल उसका वही वाला है. सो आई लव इट, इट्स वेरी 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 डिफरेंट. सो ये फुटबॉल बैग्स. सॉरी गाइस, मैं काफ़ी खाई खाई में आपको कुछ इतना मज़ेदार वे में नहीं दिखा रही हूँ, बट अब बढ़ती हूँ मेरे फेवरेट चीज़ों की तरफ जो कि है एक्सेसरीज. आई होप मैं कोई बैग भूल नहीं रही हूँ. तो एक्सेसरीज में मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था, अनम ने मुझे डियोर का नेक पीस दिया था, रूनू ने भी नेक पीस दिया था और मैंने खुद के लिए भी कुछ लिया है. आपको सब बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला कि वीडियो में दिख रहा नहीं था कि क्या लिया है. सो अनम गिफ्टेड मी दिस ब्यूटिफुल चेन, डियोर लिखा है इस पर, अगर आप देख सकते हो. वैसे वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड मैं सिर्फ ऐसे रख के दिखा रही हूँ. वाह, ये मैंने मनाली में पहना है ना. हाँ, ये वाला मैंने मनाली में पहना है एंड इट्स वेरी 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 प्रिटी. मुझे बहुत पसंद है एक्सेसरी स्पेशली. थैंक यू अनम वंस अगेन. नेक्स्ट वी हैव इज मोनोज गिफ्ट एंड ये भी मुझे बहुत 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 पसंद है बिकॉज आई लव थिक चेन्स
एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आएगी. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम डियोर. इस पर है डियोर का जो क्रिस्टन डियोर का सी डी है. फोकस फोकस या दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. आई लाइक इट. इसको भी डियोर के इसमें रख देती हूँ. लव इट. थैंक यू ब्रूनो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गिफ्ट टू माई सेल्फ. ये मुझे बहुत पहले से लेना था. इसके पीछे एक राज है. अनम को पता था कि मुझे लेना है तो शी वेंट टू बाय दिस. बट एलवी का शॉप क्लोज हो गया था बिकॉज बीच में लॉकडाउन की वजह से जल्दी जल्दी बंद हो रहा था तो एलवी का दुकान बंद हो गया. बट डियोर फिर भी खुला था ऐसा मतलब उसका बता रही हूँ उसने मुझे जो बताया. तो डियोर में भागी वो और जल्दी जल्दी से वो वाला डियोर उठा के लेके आ गई मेरे लिए. अदरवाइज शी वॉज गोइंग टू बाय दिस वन फॉर मी. कोई नहीं. उसके बाद मेरा भाई मोहम्मद अली ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू गिफ्ट मी दीज. मैंने उसको बोला अरे कोई जरूरत नहीं है मुझे नहीं चाहिए. बट बोलता है नहीं मैं गिफ्ट करूंगा मेरी जिद ही है. मैं बोला चल ठीक है कर ले अगर तेरे को दिल से ही करना है तो. एंड उसका लैपटॉप खराब हो गया एंड उसमें बहुत 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 खर्चा आया बहुत. तो मैंने उसको बोला मत दे गिफ्ट तू अपना काम कर और मैं मेरा गिफ्ट का मतलब मैं ले लूंगी मुझे लेना तो. एंड मैं दुबई गई थी तब दे लुक रियली वेरी प्रिटी. अगेन मैं काफी सारे आउटफिट्स में पहन सकती थी बट मैंने पहना नहीं क्योंकि मैं भूल गई थी. ये होता है मेरे साथ. इट्स फाइन आई शो यू हाउ इट लुक्स. मेरे बैग्स पीछे सब रखे हुए ऐसे ही या कचरे जैसे रखे हुए. अब मैं सब कैमरा बंद होगा ना तो अच्छे से उठा के रख दूंगी. एंड और भी चीज़ गाइस पूरे बैग्स है ना दब जाते हैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ. मैं उसके अंदर कपड़ा वपड़ा कुछ भी भर दूँ बट बिकॉज और भी कोई सामान होता है ना तो उसका शेप के वजह से वो ऐसा वो हो जाता है. सो अगले टाइम से मुझे उसे बॉक्स में लेके जाना पड़ेगा. वाह लव इट. So that was it. LV, Prada, Gucci, Dior, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह 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 के इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स मतलब मुझे लेने की ताकत ऊपर वाले ने दी है आप लोगों की वजह से दी है तो थैंक यू सो मच. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज. जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब पता है मैं डियोर एलवी गुची ये सब पहन पाऊंगी देख पाऊंगी कुछ नहीं. मुझे बस ये सब ब्रांड्स पता थे बिकॉज माई डैड एंड सिस्टर देवर अब्रॉड एंड कुछ कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें आती रहती थी बट मैं ऐसा खुद के पैसे से इतने जल्दी इतनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ले पाऊंगी नहीं सोचा था. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस. एंड मैं प्रे करती हूँ कि आप सबके भी जो भी ड्रीम्स है वो सब पूरे हो जाए एंड ऊपर वाला आपको और दे. पर सबसे पहली बात आप सबको अच्छी हेल्थ दे बिकॉज वो होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं सब में ज़्यादा उसी की प्रे करती हूँ कि हेल्थ अच्छी रखे उसके बाद ये सब है. तो थैंक यू सो मच. एंड आई नो कि ऐसा मैं प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ करने के लिए ये सब वीडियो बनाई हूँ. मैं दिल से चाहती थी कि आप सबको दिखाऊँ. मैं शो ऑफ करना होता मैं कब का पहन ली होती है. मैंने अब तक पहना ही नहीं है काफ़ी चीज़ें तो अभी पहनूंगी क्योंकि आप लोगों को दिखाना मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था. अब पहनने का ट्राई करूंगी मैं जितना हो सके. मेरा गोल है कि इन सब ब्रांड्स के साथ मैं एक दिन इंशाल्लाह कोलैबोरेट कर पाऊँ ताकि वो होता है ना एक गोल होता है कि यहाँ पे पहुँचना है तो डियोर एलवी गुची इन सब के साथ कोलैबोरेट कर सकूँ एक दिन. इतना अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई कर रही हूँ इतना अच्छा क्वालिटी इंप्रूव करने का ट्राई करूँगी. थैंक यू सो मच. मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बिकॉज ये सब देखने बहुत अच्छा लगता है बट जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सपना है. तो थैंक यू सो मच. लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड कॉमेंट करो कि आपको सबसे अच्छा बैग एक्सेसरी क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा. एंड अगर मैंने बहुत पकाया है तो उसके लिए सॉरी क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे बात करनी है क्या करना है. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल. सो थैंक यू सो मच. लव यू. बाय. अभी लंदन व्लॉग पार्ट दूसरा भी आने वाला है तो स्टे ट्यून्ड और व्यूज दे हो मुझे. व्यूज नहीं दे रहे हो आप लोग मुझे. बाय. टेक केयर.